हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आप लोग सोचे कि हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग है ना बैचलर पार्टी में जा रहे हैं। मेरी बहन की शादी है ना, उसके ही बैचलर पार्टी है, उसी के लिए जा रहे हैं हम लोग। मैं पीयू प्रिंस और पीयू की मामी जा रही है। मामा बोला कि मुझे दुकान पर रहना है, इस वजह से वो नहीं आया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ मम्मी भी आ गई है। ये रहा मामा, मामा से मैंने पैसे ले लिए हैं रिक्शे के लिए और हम लोग निकल रहे हैं। पीयू बोल रही है हाय, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं, चल दिए हैं मौसी के घर। हम करीबन 7-7:30 बजे निकले थे ताकि है ना मामा पहुँचे, उसको सरप्राइज़ देने वाले हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, वो सरप्राइज़ होगा, उसके लिए पूरा के पूरा सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। जैसे हम लोग आए ना वैसे ही मासी के दोनों बेटे मिल गए, उसको है ना मैंने पीहू को दे दिया। पीहू है ना बोल रही है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं इतना चल के नहीं जाऊँगी, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पर है, रिक्शे से करीबन 10 मिनट का रास्ता है। पीयू को गोलू को दे दिया है और मैंने प्रिंस को उठा लिया है। दोनों बाहर निकलते हैं तो गोदी गोदी ही चलते हैं और हाथ बहुत दुखने लगता है इन लोग के साथ उठा उठा के। सबसे पहले हम लोग उस रूम में गए जहाँ पर ये सारा फंक्शन होने वाला है। ये देखिए वहाँ पर बलून भी लगा के रखा हुआ है, लाइटिंग थोड़ी कम है, इस वजह से हम लोग है ना गए दूसरे मतलब जहाँ मेरी बहन रहती है वहाँ पर गए। यहाँ पर देखिए मौसी खाना बना रही है सबके लिए, हम लोग आए हैं इसलिए खाना बनाने में बिजी हो गई। और ये देखिए उसका दुकान आगे है ना, दुकान है और ऊपर घर है। हम लोग गए तो कुछ तैयारी नहीं हुई थी, इस वजह से हम लोग ने दुकान में आके केक लिए, सारा डेकोरेशन का सामान लिया, फिर इधर आए और यहाँ पर देखिए केक लगा रहे, केक को डेकोरेट कर रहे। जो भी प्रॉप्स लेके आए थे ना वो सारा डेकोरेट किया जा रहा है, पूरा रूम डेकोरेट किया, बलून्स बनाया, सब कुछ किया है यहाँ पर। ये देखिए सारा प्रॉप्स लगा दिए, सब कुछ रेडी कर दिए, तब है ना चांदनी को लेके आए हैं। यहाँ पर देखिए बलून्स भी ढेर सारे फुला के रखे हैं और पूरा डेकोरेट कर दिया है, जितना हम लोग से बन पड़ा उतना डेकोरेट कर दिया। यहाँ पर चांदनी को बुलाया है, ये उमेरा है, वो पड़ोस में रहती है, वो वही लेके आई है चांदनी को। चांदनी को अच्छे कपड़े पहनने बोले तो उसको समझ में आ गया कि हमारे लिए पार्टी है, वही देखना चाहती थी। तो भी हम लोग ने ना उसे आँख बंद करके लेके गए ताकि उसको है ना पूरा डेकोरेशन दिखा सके कैसा लग रहा है, तो वो देख के एकदम हैरान हो गई। देखिए उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है। इसके बाद जो जो हम लोग ने प्रॉप्स लेके आए थे ना, वो चांदनी को पहनना है, जैसे कि ब्राइड टू बी और सर पे जो मुकुट होता है ना वो। ये देखिए केक कट करने के लिए रेडी हो गई, तो ये चश्मा बचा था वो भी लगा दिए, मतलब बोले कि चश्मा तो लगाना कंपलसरी है। ये सारे चीज़ें लेके आए, वो सारी चीज़ें उसको लगा दिए और देखनी है कितनी अलग लग रही है ना, थोड़ी सी फनी लग रही है। देखिए केक भी है, यहाँ से वो खुल रहा था तो है ना पूजा उसको ठीक कर रही है। फ्रेंड, जैसे ही उसने कट करने के लिए आगे बढ़ी तो वो सब लोग ने कहा कि सबसे पहले केक कटिंग के पहले फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, तो केक के साथ फ़ोटो सेशन के लिए खड़ी हो चुकी है सब लोग। इसके बाद एक एक करके सब इसके साथ फ़ोटो सेशन किए हैं। ये जो कमरा है ना, सब लोग मेहमान आने वाले थे इस वजह से ये कमरा बुक किया है, इधर ही हम लोग ने डेकोरेशन किया, पार्टी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको भी बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज़ हुआ है। ये सामने जो आई है ये इसकी बहन है, छोटी बहन है, इसका नाम रोशनी है और चांदनी मेरी मौसी की बेटी है। ये सारे प्रॉप्स जो है थोड़े से फनी लग रहे थे मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे लोग वीडियो निकालने के लिए खड़े हैं। अब चलिए सबको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को। रोशनी और आयुष है, वो दोनों इसके छोटे भाई बहन है। ये गोलू है, इसी ने हम पीयू को पकड़ा था, आप देखे थे स्टार्टिंग के व्लॉग में। कटिंग की तैयारी होने लगी तो केक कट करने जा ही रही थी कि सब लोग ने बोला अरे ये कैंडल तो लगाया ही नहीं है, पहले कैंडल लगा लेते फिर केक कट करेंगे। फिर पूजा ने
जैसे कैंडल ब्लो किया है ना, तो वो कुछ अलग तरीके से जला। ये देखिए सबको उसका लगा ऐसे कैसे जल रहा है। 2 मिनट में ये जला, फिर उसके बाद ये बंद हो गया। और इसके बाद केक कटिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। केक कटिंग करते समय ना देखिए प्रिंस है ना किस तरह से देखता है, उसके मुँह में केक देख के इतना पानी आ रहा था कि आप देखोगे तो उसको हंसी आ जाओगे आपको भी। केक कट करने के बाद वो पूछती है सबसे पहले कि मैं किसको खिलाऊं, तो सब लोग बोले सबसे पहले खुद ही खाओ। ये देखिए फिर उनके मुंह में किस तरह से पानी आ रहा है, वो कैसे देख रहा है कि मौसी खा रही है, मेरे को खिला नहीं रही है, इतना मुंह में उसके पानी आ गया है। केक देख के आपको देखते तो हंसी आता आपको। इसके बाद उसने क्या किया कि पीहू और प्रिंस दोनों को खिलाए केक, और दो प्रिंस को देख के खा के जो है बहुत अच्छा लगा। एक एक करके उसने सबको केक खिलाए। सबसे पहले मुझसे शुरू किए, यहाँ पर सबसे पहले मुझे खिलाए। मैं वीडियो शूट कर रही थी तो इसलिए मैंने सबसे पहले आगे का जो कैमरा है वो कर ले लिया अपनी तरफ। वहाँ पर बहुत कंजस्टेड होने के वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि पीओ प्रिंस बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे थे। इस वजह से इसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने उनके कपड़े जो है वो निकाल दिए थे, उनके चट्टी पे ही रखा था ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। ज़्यादा गर्मी होगी तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उल्टी होने लगता है और अजीब सा सफोकेशन होने लगता है उन लोग को। इस वजह से मैंने उनके कपड़े जो है उतार दिए थे। कुछ खत्म होने के बाद डांस वगैरह केक कटिंग वगैरह, तो हम लोग ने ना केक और समोसा वेफर्स खाए। पीयू ने भी केक समोसा वेफर खाया और कोल्ड ड्रिंक पिए। ये करीबन 11 बजे तक 11:30 बजे तक चला था। हम लोग को कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, ये सारे फंक्शन करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इस वजह से सब लोग आए थे हम लोग को छोड़ने, मासी वगैरह भी आई थी हम लोग को छोड़ने रिक्शे में। फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ मेरे जो ब्लॉग है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू और प्रिंस, यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।